भोपाल में कोरोना नियंत्रण पर कलेक्टर कमिश्नर बैठक, तैयारियों को लेकर सीएम ने दिए निर्देश, व्यवस्थाएं दुरुस्त करने को लेकर सीएम ने किया सतर्क। अशोकनगर के तुलसी सरोवर पार्क में कर्मचारियों ने लगाया ताला, 3 महीने से वेतन न मिलने से है नाराज, सैकड़ों लोग रोज पार्क के खुलने का करते हैं इंतजार। बागली के हाथ पिपलिया में तालाब में डूबा व्यक्ति, किसान के खेत पर बना था तालाब, 20 घंटे मशक्कत के बाद गोताखोरों ने ढूंढा शव। बिलासपुर के सरकांडा क्षेत्र में 3 माह गर्भवती और उसके परिवार को पीटने का मामला, 2 घरों के बीच बनी दीवार को लेकर हुई झड़प, मारपीट करने वाले आरोपी हुए गिरफ्तार। और राजगढ़ की सड़कों पर बेखौफ दौड़ रहे मौत के लोडिंग वाहन, ग्रामीणों को जानवरों की तरह वाहन में भरते हैं, पुलिस प्रशासन की कोशिशों के बावजूद जारी है मौत की सवारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत, मैं हूं आपके साथ क्रांति प्रिया। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। भोपाल में कलेक्टर कमिश्नर बैठक संपन्न हुई, जिसमें कोरोना नियंत्रण की तैयारियों को लेकर सीएम ने आवश्यक निर्देश दिए। टेस्टिंग कराने समय सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने की बात कही। इंदौर कलेक्टर को सीएम ने निर्देश देते हुए कहा कि इंदौर को सबसे ज्यादा सतर्क रहना है, क्योंकि लोगों की आवाजाही वहां ज्यादा है। सीएम ने कहा, हमारा प्रयास है कि कोविड के मरीजों को कोविड केयर सेंटर में रखें, उन्हें अस्पताल ले जाने की आवश्यकता न पड़े, फीवर क्लिनिक एक्टिव कर दें, जिससे टेस्टिंग लोग आसानी से करा पाएं। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने सुभाष नगर रेलवे ओवरब्रिज का निरीक्षण किया। इसके दौरान दिखी खामियों पर नाराजगी व्यक्त की और उन्हें दूर करने के लिए निर्देश दिए। ट्रायल रन के दौरान आवागमन सुगम बनाने मंत्री स्वयं उपलब्ध रहेंगे। ये ट्रायल रन 5 से 12 जनवरी तक होगा। ट्रायल रन के बाद 12 से 23 जनवरी तक किए जाएंगे परिवर्तन। 23 जनवरी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मुख्यमंत्री इसका लोकार्पण करेंगे। 28 करोड़ की लागत का रेलवे ओवर ब्रिज होगा जनता को समर्पित। हमने यह निश्चित किया है कि हम 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती के दिन ये सुभाष नगर रेलवे क्रॉसिंग का फ्लाईओवर रेलवे ओवर ब्रिज जनता को समर्पित करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी इसका लोकार्पण करेंगे 23 जनवरी को। उससे पहले 5 जनवरी से एक हफ्ते के लिए 12 जनवरी तक इसका हम पूरी तरह से ट्रायल रन करेंगे। शाजापुर में वैश्य महासम्मेलन साल 2022 के वार्षिक कैलेंडर का कलेक्टर ने विमोचन किया। कैलेंडर में प्रकाशित तीज त्योहारों सहित महत्वपूर्ण जानकारियां आमजन के लिए उपयोगी सिद्ध होंगी। वैश्य समाज के द्वारा चलाई जा रही रचनात्मक गतिविधियों का कैलेंडर में उल्लेख है। जिला युवा इकाई अध्यक्ष विकास जैन ने बताया कि कैलेंडर में समाज के समस्त अध्यक्षों, सदस्यों और इकाइयों की जानकारी दर्ज है। कैलेंडर की प्रतियां समाज के प्रत्येक परिवार को निःशुल्क पहुँचाई जाती है। इसके अंदर समस्त जानकारियां वे समाज की है, जो मध्य प्रदेश में कितनी इकाइयाँ हैं, कितने सदस्य हैं, कितने उसमें अध्यक्ष हैं, कितने तहसील अध्यक्ष हैं, उन सब की जानकारियां इसके अंदर उपलब्ध होती है। किसी भी वैश्य को कहीं भी कहीं ज़रूरत हो, संपर्क करना हो, कोई तकलीफ हो, तो वो उसके अंदर देख के उनके फ़ोन नंबर से संपर्क कर सकता है, ताकि उसको तुरंत मदद मिल सके। मुख्य उद्देश्य हमारा यही है इस कैलेंडर का, कि सभी को हर जिले की, तहसील की, ग्रामीण क्षेत्रों की जानकारी रहे। बुरहानपुर जिले में आज एक दिवसीय दौरे पर आए प्रभारी मंत्री प्रेम सिंह सबसे पहले जिला अस्पताल पहुंचकर अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे। वहीं उन्होंने जिला अस्पताल में बने ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण भी किया और नव निर्मित बच्चों के आईसीयू वार्ड का उद्घाटन किया। वहीं प्रभारी मंत्री के दौरे की सूचना अस्पताल प्रबंधन को लगते ही अस्पताल में व्यवस्थाओं को सुधारने का काम भी शुरू किया गया। वहीं अस्पताल में लगी लिफ्ट, जो काफी समय से बंद पड़ी हुई थी, प्रभारी मंत्री के दौरे के दौरान ही लिफ्ट भी प्रारंभ कर दी गई। माना जा रहा है कांग्रेस का आरोप है कि प्रभारी मंत्री के संपर्क में है। देखो, हमारे पास तो कोई भी लोग आते ना, कहीं उसका फोटो थोड़ी लगा हुआ कि वो मतलब चोर है कि क्या। अगर इस प्रकार का होगा तो हम लोग कभी सहयोग नहीं करेंगे, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होना चाहिए। सर, आखिरी एक सवाल ये है
कि जो छोटी बच्ची है 17 माह की, इसको लेकर अब तक पुलिस कोई खुलासा नहीं कर पाई है। इसको लेकर कांग्रेस तरह तरह के विरोध प्रदर्शन कर रहा है। नरसिंहपुर जिला गाढ़ावरा तहसील में आने वाले नगर साई खेड़ा में शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय के प्राचार्य धर्मेंद्र वर्मा ने बोर्ड परीक्षाओं की जानकारी दी है। प्राचार्य ने जनवरी में 10वीं और 12वीं की परीक्षा होने को लेकर ये सूचना दी और इसे लेकर परीक्षा की तैयारियों पर भी बातचीत की। वहीं विद्यार्थियों को अपना संदेश दिया। यहाँ पर उत्कृष्ट विद्यालय साई खेड़ा को इस बार 10वीं 12वीं के सभी विद्यालय का परीक्षा केंद्र बनाया गया है, जिसमें चेतन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सरस्वती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सेंट्रल पब्लिक अकेडमी सेंट थॉमस और उत्कृष्ट विद्यालय को प्लस करके एक ही परीक्षा केंद्र निर्मित किया गया। ये खबर अशोकनगर से है और शहर में घूमने के लिए तुलसी सरोवर एकमात्र पार्क है, लेकिन 3 महीने से वेतन न मिलने से नाराज कर्मचारियों ने पार्क पर ताला जड़ दिया है, जिसके कारण पार्क के बाहर खड़े सैकड़ों लोग पार्क खुलने का इंतजार करते रहे और न खुलने पर उन्हें वापस भी लौटना पड़ा। पार्क में कार्यरत कर्मचारियों का कहना है कि हमें 3 महीने से वेतन नहीं मिला और जब तक वेतन नहीं मिल जाता तब तक पार्क बंद रहेगा। सैलरी नहीं आ रही 3 महीने से। सैलरी क्यों नहीं आ रही? क्यों सर, डाल ही नहीं रहे। कौन नहीं डाल रहे? जिनने फाल नहीं दी, राकेश रघुवंशी ने। क्या कहते हैं जी? वो कहते हैं अभी तुम्हारा वो ही नहीं है, सैलरी नहीं आ रही, पैसे मांगते हैं हमसे। किस बात के पैसे मांगते हैं? बोले तुम काम पर लगाते हैं तो पैसे दो हमको। आपने किसी अधिकारी से बात करी नगर पालिका? बात की थी ना सीएम साहब से, की थी। वो कह रहे थे हमारे पास फाइल ही नहीं आई अभी तो। फाइल नहीं है और क्या? अगर सैलरी नहीं आई तो क्या करेंगे आप लोग? पार्क बंद करेंगे, बिल्कुल नहीं खोलेंगे इस पार्क। बागली के हाट पिपलिया में पुलिस चौकी करनावत में तालाब में डूबने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। करनावत में किसान के खेत पर बने प्लास्टिक के तालाब में डूबने से व्यक्ति की मौत हुई है, जिसका नाम मोहन लाल ठाकुर बताया गया है। प्रभारी हिमांशु पांडे से मिली जानकारी के अनुसार लगभग 20 घंटों के बाद गोताखोरों की मदद से व्यक्ति के शव को तालाब से बाहर निकाला गया। बिलासपुर के सरकांडा क्षेत्र में 3 महीने की गर्भवती महिला और उसके परिवार के अन्य सदस्यों को घर में घुसकर बेरहमी से पीटने की घटना सामने आई। घायल गर्भवती महिला को बेहोशी की हालत में अपोलो अस्पताल में भर्ती करवाया गया। आपको बता दें कि मारपीट की घटना दोनों परिवारों के घरों के बीच बनी दीवार को लेकर हुई, जिसमें क्रिकेटर अमित मिश्रा के परिवार के साथ घर में घुसकर मारपीट करने वाले 4 आरोपियों को सरकंडा पुलिस ने 2 दिन बाद गिरफ्तार कर लिया। वहीं पीड़ित परिवार का आरोप है कि पुलिस ने हत्या का प्रयास के वजह से मामूली धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। गुस्से में आ गया और पूरा मारपीट चालू कर दिया। कौन मारा? चाचा को मारा। कौन कौन था मारा? मारने में इनके गंगाधर मिश्रा, उसके 2 बेटे और ये बाहर से, और किसको बुलाए थे ये नहीं पता है। किसको मारते हो? सभी को पड़ा है, मेरे पापा, मेरी माँ, मेरे पापा चंद्रगढ़ प्रसाद मिश्रा। कई सदस्यों के साथ मारपीट करी है, इसकी रिपोर्ट पर थाने में 452 और अन्य धाराओं, मारपीट की धाराओं बलवा के साथ अपराध पंजीकृत किया गया है। इसमें कल ही 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है और इन लोगों को आज रिमांड पर प्रस्तुत किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के जिले राजगढ़, ब्यावरा, नरसिंहगढ़ समेत कई इलाकों में लोडिंग वाहन ग्रामीणों को जानवरों की तरह भरकर ले जा रहे हैं। बाजारों में ओवरलोडिंग सवारी भरे वाहन घूम रहे हैं, जिससे दुर्घटना होने की संभावना रहती है। कई बार पुलिस प्रशासन ने चालानी कार्रवाई से लेकर मुहिम तक चलाई, इसके बावजूद लोडिंग वाहन बेखौफ होकर सड़कों पर घूम रहे हैं, जिस पर अब यातायात जिला प्रभारी योगेंद्र मरावी ने दोबारा उचित कार्रवाई करने की बात कही। जिसके तहत हमने काफ़ी कार्रवाई की थी और अभी रिसेंट में जो ओवरलोड वाली जो कार्रवाई थी उसके तहत भी किए, जिसमें हम लोग लगभग 15 या 16 ऑटो और पिकअप वगैरह जब्त किए थे, उनके खिलाफ चलानी कार्रवाई की गई थी और संबंधित को माननीय कोर्ट पे पेश किया गया था, जिनमें लगभग 10,000 का जुर्माना हुआ और आपके माध्यम से ये वापस संज्ञान में आया, तो इसको वापस इसके खिलाफ अभी न्यू ईयर पे, मतलब अगले साल 2022 में और कोशिश करेंगे इस पर सख्ती से कार्रवाई करें और इसको कम करने की कोशिश करेंगे।
राजगढ़ जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में बुधवार को करणवास थाना पुलिस की शिकायत लेकर एसपी प्रदीप शर्मा के पास पहुंचे भाटखेड़ी ग्रामीण, जिन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले पैसे के लेन देन को लेकर हुए झगड़े में भाटखेड़ी गांव के एक दबंग व्यक्ति सिद्धनाथ के द्वारा दलित युवक देव सिंह के साथ मारपीट की गई। इसका वीडियो भी मौजूदा लोगों के द्वारा बनाया गया है। वहीं मामले में करणवास पुलिस ने आरोपी पर कार्रवाई करने की बजाय पीड़ित को ही रिमांड पर लेकर आर्म्स एक्ट के साथ कई धाराओं में मामला दर्ज किया और उसे जेल भी भेज दिया है। वहीं पीड़ित व्यक्ति के परिजनों ने उक्त मामले में राजगढ़ एसपी प्रदीप शर्मा से न्याय की गुहार लगाई है। मोटा केस बना के और पुलिस वालों ने मिलजुल के, पुलिस वाले वहां पे अजय यादव भी थे, अजय यादव ने बोला और के इसको जेल भेज दो राजगढ़ देवी सिंह को। और यहाँ एसपी कार्यालय पहुंचे तो आपको एसपी साहब ने क्या आश्वासन दिया? एसपी साहब ने बोला है कि तुरंत आप करणवास थाने जाओ, करणवास थाने के जाने के बाद में सिद्धू यादव को एफआईआर कर थाने लेके आओ। हाँ सर, उन पर अवैध हथियार रखने का मुकदमा दर्ज किया गया। ये इतना जो मामला है उसके संबंध में 25-27 आर्मड का भी मामला दर्ज किया गया है। इसके संबंध में थाना प्रभारी ने अवगत कराया है कि ये इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त था। उसके संबंध में भी परिजनों का कहना है कि ऐसा इन्वॉल्वमेंट उसका नहीं था। रोजगार सहायक सचिव संगठन के बैनर तले ग्राम पंचायत रोजगार सहायक द्वारा मनरेगा संचालन में आ रही समस्याओं को लेकर कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। जिलाध्यक्ष निर्भय राम पाटीदार ने बताया कि ग्राम पंचायत सहायक सचिव शासन की विभिन्न योजनाओं का संचालन हम सभी रोजगार सहायक तन्मयता से करते आ रहे हैं, फिर भी हमें अन्य कामों में उलझाकर शोषण किया जा रहा है। बता दें कि पिछले दिनों सालाखेड़ी रोजगार सहायक ने परेशान होकर अपने पद से इस्तीफा दिया है। एक गांव का मजदूर जो 11 बजे काम पे आता है और हमारी ये 11 बजे बंद हो जाती है। दूसरी चीज़ ये है कि एक हम मैदानी अमले में काम करते हैं, धरातल पर कार्य करते हैं, उसके बावजूद हमारा वेतन 9000 रुपये है। आज एक मजदूर का दिन भर का काम करने का 400 रुपये लेता है और हमको 300 रुपये मिलते हैं, जहाँ ना कोई भत्ता और ना मरने के बाद ना कोई नियुक्ति है, अनुकंपा नियुक्ति ना कुछ, हमको उसके बदले में कुछ दिया जाता है। तो हम हर चीज़ से परेशान है। इसी को चलते हमारे रतलाम जनपद के एक रोजगार सहायक ने इस्तीफा भी दे दिया है। यदि इसी तरह चलता रहा तो मजबूरी में हम रतलाम जिले के सभी साथियों को इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। शमशाबाद कपड़ा व्यापार महासंघ ने बढ़ी हुई जीएसटी के विरोध में अपनी अपनी दुकानें बंद रखी। केंद्र सरकार से बढ़ी जीएसटी वापस लेने की मांग को लेकर प्रधानमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। व्यापारियों का कहना है कि कपड़े पर लगने वाली जीएसटी को 5% से बढ़ाकर सरकार ने 12% कर दिया है, जिससे महंगाई बढ़ेगी और इसका असर आम व्यापारियों के साथ साथ आम आदमी पर भी पड़ेगा। वहीं मांगे पूरी न होने पर व्यापारियों ने आंदोलन की चेतावनी भी दी है। ये भाजपा का और वो उन संगठनों का चरित्र का उजागर करता है। इस देश में मैंने कई बार सैकड़ों बार कहा है, ये देश गांधी की विचारधारा से चलने वाला देश है। ये इस देश में नाथूराम गोडसे की विचारधारा की कोई जगह नहीं है। जो लोग नाथूराम गोडसे की विचारधारा को देश पर थोपना चाहते हैं वो कभी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। कपड़ा और रेडीमेड पर जो जीएसटी बढ़ाई जा रही है 5% की बजाय 12% की जा रही है, उसके विरोध में आज पूरा भारत कपड़े के क्षेत्र में बंद है, जिसमें मध्य प्रदेश भी और मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में शमशाबाद, चूँकि सभी लोग आपस में जुड़े हुए हैं, इससे व्यापार भी प्रभावित होगा, महंगाई भी इससे बढ़ेगी, आम जनता भी महंगाई की मार से पहले से ही परेशान है और परेशानियां ना बढ़ें उसके लिए हमने आज अपने अपने संस्थान बंद रखे हैं। सतना जिले के 135 केंद्रों पर किसानों से धान खरीदी की आड़ में व्यापारियों और बिचौलियों के घटिया अनाज की खरीदी की जा रही है। इसके बदले समितियां व्यापारियों से मोटी रकम वसूल रही हैं। चार प्रमुख विभागों की खानापूर्ति वाली निगरानी से यहां अमानक धान खरीदा जा रहा है, जिसके चलते घटिया धान खरीदी में सतना प्रदेश में पहले पायदान पर है। प्रदेश में जिले की 13.5 करोड़ की धान रिजेक्ट की जा चुकी है। धान से लोड 212 ट्रकों को रिजेक्ट कर वापस समितियों के पास भेजा गया। इससे जिम्मेदारों
हथियारों की मिली भगत साफ तौर पर सामने आ रही है। वहीं आरबी एसोसिएट्स भोपाल की टीम बीते चार दिन से सतना में है, जो धान की गुणवत्ता की जांच कर रही है। मौसम विभाग द्वारा जारी बारिश की चेतावनी को धान खरीदी कर रहे जिले के जिम्मेदारों ने हल्के में लिया, जिसके कारण उन्होंने खरीदी केंद्र में धान को बचाने के लिए कोई इंतजाम नहीं किए और करीब 109 करोड़ की करीब 5.5 लाख क्विंटल धान पानी में भीग गई। किसानों से धान खरीदने वाली समिति केंद्र में सरकारी अनाज की सुरक्षा को लेकर कोई खास इंतजाम नहीं कर पाई। धान के बोरे में ना तो स्टैकिंग कराई गई और ना ही पन्नी तिरपाल से ढका गया। इसका नतीजा केंद्र में धान से भरी बोरियां चोरों और बिखरी हुई पड़ी मिली। सभी विदिशा वस्त्र विक्रेता संघ और रेडीमेड संघ की दुकानें बंद हैं और आज ये आंदोलन केंद्र सरकार से जो बढ़ी हुई GST है 5% से 12% करी गई है उसको वापस लेने की मांग रखते हुए आज ये आंदोलन किया जा रहा है। यह आंदोलन आगे भी जारी रहेगा? ये हम लोगों की लड़ाई नहीं है, ये आम जनता की भी लड़ाई है, इसलिए सबका सहयोग लेके हम आगे भी बहुत जबरदस्त लड़ाई लड़ने के मूड में हैं, क्योंकि महंगाई के दौर में इस वक्त बहुत रेट बढ़े हुए हैं कपड़े के, वैसे भी धागे के, इसलिए हम चाहते हैं कि ये GST बढ़ी हुई वापस ली जाए। और इस खबर के साथ फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाने से पहले मैं क्रांति प्रिया खबर भारत की तरफ से आप सभी से अपील करती हूँ कि जिन लोगों ने अभी तक वैक्सीन की दोनों डोज नहीं ली है तो डोज लगवा लीजिए दोनों, क्योंकि याद रखिएगा कि जब वैक्सीन लगेगी तभी सुरक्षा होगी पूर्ण, क्योंकि दो डोज पूर्ण तो ही सुरक्षा संपूर्ण। इसके साथ ही फिलहाल इतना ही, नमस्कार। दूसरा नाम है गजानन सिंह। लोग मानते हैं कि यही है एक जरिया अपनाए TMT